हेलो एवरीवन, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेज में। आज हमारा टॉपिक है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस कक्षा 8 से लेकर 12 तक और हायर क्लासेज में और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन हम 10th लेवल तक का देखेंगे। 10th लेवल तक में हम किस तरह से सेंटेंसेस को चेंज करते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज करने में हमें कुछ रूल्स का फॉलो करना पड़ता है, जो निम्न प्रकार हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव वॉइस की डेफिनेशन। डेफिनेशन में है कि जिस वाक्य में कर्ता दिया हुआ हो तो वो वाक्य एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। जिस वाक्य में कर्ता दिया गया हो, जैसे वह अंग्रेजी किताब पढ़ता है, तो यहाँ पर अंग्रेजी किताब पढ़ने वाला सब्जेक्ट यानी कर्ता है, जो है वह। या हम कहें मोहन एक पत्र लिखता है, वह कहानी लिखता है, तो ये सारे सेंटेंसेज हैं उसमें हमें पता है कि ये कार्य कौन करता है, इसलिए ये वाक्य होंगे एक्टिव वॉइस के। लेकिन पैसिव वॉइस में जस्ट इसका अपोजिट होता है। यहाँ लिखा है जिस वाक्य में कर्ता नहीं दिया गया हुआ हो फिर भी कार्य का होना पाया जाता है, तो वे वाक्य पैसिव वॉइस के होते हैं। जैसे अब इस प्रकार के वाक्य किस प्रकार के होते हैं ये देखिए। चाय बन रही है, तो यहाँ चाय बनाने वाले का हमें बिल्कुल भी पता नहीं है कि कौन बना रहा है, लेकिन काम हो रहा है इसलिए पैसिव वॉइस होता है। आपका काम हो जाएगा, कौन करेगा इसका कोई पता नहीं है, इसलिए ये वाक्य पैसिव वॉइस का होगा। जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं तो कौन कौन से रूल फॉलो करेंगे, वो है पहला रूल है सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलकर लास्ट में बाय लगाकर लिख देते हैं। यहाँ पर सब्जेक्ट से जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो इस तरह से होगा कि जब भी सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं, अगर ये सब्जेक्ट्स हों आई वी यू ही शी दे, अगर ये हमारे सब्जेक्ट्स होंगे तो हम इसको बदलेंगे। आई को हम बदल देंगे मी में, वी को बदल देंगे अस में, यू नो चेंज, ही हो जाएगा हिम में, शी हो जाएगा हर में, और दे हो जाएगा देम में। इनको हम लास्ट में बाय लगाकर लिख देंगे। दूसरा है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में बदल देते हैं, तो ये अगर हमारा होगा तो हम आई में बदलेंगे, अस होगा तो वी में बदलेंगे, यू होगा तो यू में रहेगा, हिम होगा तो ही में बदलेगा, हर होगा तो शी में बदलेगा, और देम होगा तो दे में बदल जाएगा। यानी कि ये जितने भी फॉर्म्स हैं ये सब्जेक्ट फॉर्म है और ये सब के सब ऑब्जेक्ट्स फॉर्म है। किसी भी पर्सन की फर्स्ट फॉर्म हमेशा सब्जेक्ट होती है और किसी भी पर्सन की थर्ड फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट होती है। तो पहला रूल, दूसरा रूल क्लियर है। तीसरा रूल है कि दी गई मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लिखते हैं। और चौथा है कि हेल्पिंग वर्ब में हम परिवर्तन करते हैं, जो हम अभी देखेंगे आगे। तो इस प्रकार से एक्टिव वॉइस से हम पैसिव वॉइस बनाते हैं। तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम हेल्पिंग वर्ब्स कुछ इस टेबल के अनुसार चेंज करते हैं कि अगर हमें सेंटेंस के अंदर डू, डज या केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या यस दिया गया हुआ हो तो उस सेंटेंस में हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम या आर लगाएंगे। यानी जैसा हमारा सब्जेक्ट वैसे हेल्पिंग वर्ब। यानी एक वचन अगर हमारा सब्जेक्ट है तो एक वचन हेल्पिंग वर्ब, यानी कि अगर एक वचन है तो इज, अगर आई है तो एम, और बहुवचन अगर करता है हमारा तो आर लगाएंगे। इसी प्रकार से अगर हमें दिया गया हो डिड या वर्ब की सेकेंड फॉर्म तो हम उस सेंटेंस में वाज या वर का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमें इज, एम, आर या वाज या वर्ब में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब दी गई हो सेंटेंस में तो हम उसमें प्लस बीइंग, प्लस बीइंग का मतलब जो हमें हेल्पिंग वर्ब दी गई है वो तो लगाएंगे ही, उसके साथ में बीइंग और प्लस कर देंगे या जोड़ देंगे। अगर हमारे पास हैज, हैव या हैड इन तीनों में से एक हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ हम बीन जोड़ देंगे, यानी प्लस का मतलब दी गई हेल्पिंग वर्ब के साथ बीन जुड़ जाएगा। या हमें कोई मॉडल, मॉडल्स में कोई भी मॉडल हो, कैन हो, कुड हो, मे हो, माइट हो, शेल हो, शुड हो, वुड, जो भी हेल्पिंग वर्ब है मॉडल, उसके साथ हम बी जोड़ देंगे, यानी दिया गया जो भी मॉडल है उसके साथ हम बी जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से ये हेल्पिंग वर्ब का परिवर्तन हो जाता है। अब हम किस प्रकार से सेंटेंस चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। अब सेंटेंस देखते हैं किस तरह से आते हैं। इस तरह से सेंटेंस हमें दिए जाते हैं और हमें इनको पैसिव वॉइस में बदलना होता है। पहला सेंटेंस है कि मिस्टर चौहान टीचेज अस इंग्लिश। तो सबसे पहला काम
सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ढूंढना है, वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ पर अस और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ पर दो पर काम हो रहा है, पढ़ाया जाता है हमें अंग्रेजी। क्या का और हुम यानी किसको, इन दोनों का जो जवाब आएगा वो ऑब्जेक्ट होता है। किसको पढ़ाया जाता है, हमें, ये ऑब्जेक्ट है। क्या पढ़ाया जाता है, इंग्लिश, ये भी ऑब्जेक्ट है। तो हम किसी भी एक ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लगा देंगे। जैसे हम पहले लेते हैं अस, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो पर्सन नहीं हो, यानी कि ये वाला डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट यानी पर्सन की थर्ड फॉर्म, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। पर्सन की थर्ड फॉर्म, वी की थर्ड फॉर्म अस है, इसलिए हमारा इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट को हम पहले लगाते हैं, जैसे इसको बनाया हमने अस का, यहाँ पर अगर लेके आएंगे यानी इसका ऑब्जेक्ट को अगर हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट होगा वी, तो हम यहाँ लिखेंगे वी। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पर देखो कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दी गई है, नहीं दी गई है तो टीच अस। अभी हमने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस एस, यानी कि यहाँ पर एस आया हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी इज, एम या आर। तो यहाँ पर वी के साथ हम आर लगाएंगे, जैसा कर्ता वैसी हेल्पिंग वर्ब। कर्ता हमारा वी है, बहुवचन है, इसलिए इसके साथ आर, वी आर। अब वर्ब टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो वी आर टॉट। इसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, यानी वर्ब हो गया, अब हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर इंग्लिश भी है, ऑलरेडी हमें दिया गया है, और हमें मिस्टर चौहान को भी ऑब्जेक्ट बनाना है। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि ये कोई पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो टॉट इंग्लिश ऐसे कैसे उतरेंगे यहाँ तक, और सब्जेक्ट को बाय लगाकर, तो ये बाय लगाकर हमने लिख दिया बाय मिस्टर चौहान, ये हमारा पैसिव वॉइस हो जाएगा, करेक्ट। दूसरा देखते हैं, द स्टूडेंट्स शुड नॉट लीव बाइसिकल्स अनलॉक्ड। द स्टूडेंट्स सब्जेक्ट, शुड हमारा हेल्पिंग वर्ब, लीव बाइसिकल्स और अनलॉक्ड। अब क्या नहीं छोड़ना चाहिए, लीव यानी छोड़ना, क्या नहीं छोड़ना चाहिए, बाइसिकल्स, तो बाइसिकल्स अनलॉक्ड, खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है यहाँ पर द स्टूडेंट्स, बाय लगाकर लास्ट में जाएगा। ऑब्जेक्ट्स क्या है, बाइसिकल्स, तो बाइसिकल्स क्या लिखेंगे हम शुरू में लिखेंगे, तो हम लिखेंगे बाइसिकल्स, बाय सॉरी डी, बहुवचन है, शुड आ रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, शुड एक वचन है बहुवचन, लेकिन यहाँ पर मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब लग जाएगी बी, तो बाइसिकल्स शुड नॉट, इसके साथ आएगा बी अगर है तो नॉट के बाद जाएगा, तो शुड नॉट बी अनलॉक्ड, ऐसे कैसे जाएगा, सॉरी लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट अनलॉक्ड, यहां पर बाय लगाकर द स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तीसरा है, ही हैज लर्नड ऑल दिस लेसन्स, ही सब्जेक्ट, ऑल द लेसन्स, लर्नड हमारी वर्ब, और द लेसन्स क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हम लिखेंगे ऑल द लेसन्स, सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑल द लेसन्स बहुवचन हो गया, हैज की जगह हैव आएगा, इसके साथ बीन लगाना है, हैज हैव हैड के साथ थ्री एच आ गया, इसमें बीन लगाना है, तो ऑल द लेसन्स जैसे करता वैसी क्रिया, क्रिया बहुवचन आएगी तो जाएगा हैव बीन, थर्ड फॉर्म लर्न, ऑलरेडी दी गई है हमें, और बाय लगाकर हिम। चौथा सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट लुक इनटू द मैटर, वी सब्जेक्ट, मस्ट मॉडल है, बी लगाएंगे, लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है द मैटर, तो द मैटर क्या हो जाएगा इसका ऑब्जेक्ट, यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, तो द मैटर मस्ट है तो मस्ट बी हो जाएगा, बी जुड़ जाएगा कोई मॉडल हो तो बी जोड़ते हैं, मस्ट बी, लुक थर्ड फॉर्म लुक्ड,
और इनटू ऐसे के साथ लुक्ड इनटू बाय, वी का चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट अस, तो उसका सेंटेंस बन जाएगा इस तरह से। पांचवा है दे सेलिब्रेट दीपावली इन अक्टूबर। अब यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंस है दे, अगर कोई भी अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट हो तो हम उसको लास्ट में बाय लगाकर नहीं लिखते। ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं उनको हम देख लें। अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं दे, क्राउड, समवन, एनीवन, बॉयज, गर्ल्स, बहुत सारे पीपल, यानी कि वो सब्जेक्ट्स जिनको अगर हम न भी लिखें तब भी काम चल जाए, इन्हें हम वैग्यू सब्जेक्ट्स भी बोलते हैं। इनको हम लास्ट में नॉर्मली जनरली नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर दिया है अगर इसको हम लिख भी देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन जनरली हम नहीं लिखते। तो हम लिखेंगे इसको सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर क्या मनाया जाता है दीपावली, तो दीपावली को सबसे पहले ये हमारा सब्जेक्ट बनाएंगे हम इसे, तो हो जाएगा दीपावली। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है सेलिब्रेट, फर्स्ट फॉर्म आएगी तो इज एम आर, जैसा करता वैसी क्रिया, दीपावली इज सेलिब्रेट। हमारे पास वर्ब है मैन वर्ब, इसकी थर्ड फॉर्म सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर, और यहीं पर फुल स्टॉप लगा देंगे, हमें बाय देम लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीन चार सेंटेंसेस और देखते हैं, आगे देखते हैं। छठा सेंटेंस दे डू नॉट हेल्प मी, मी यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, किसी भी पर्सन की थर्ड फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट, और कोई ऑब्जेक्ट नहीं इसमें, हम ले आएंगे सबसे पहले मी चेंज हो जाएगा आई में, आई अब जैसा करता वैसी हेल्पिंग वर्ब, डू अब डू को चेंज करेंगे हम इज एम आर में, तो आई के साथ एम, आई एम नॉट हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, बस हम बाय देम लिखेंगे तो भी सही होगा, और यहाँ तक लिखेंगे तो भी सही हो जाएगा। ये साथ में देखते हैं शी इज़ नॉट टेकिंग मेडिसिंस, शी है लास्ट में चल जाएगा बाय हर, क्या ले रही क्या नहीं ले रही वो मेडिसिंस, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाएंगे मेडिसिंस। अब यहाँ पर इज है, इसको हम चेंज करेंगे प्लस बींग लगाकर, लेकिन मेडिसिंस बहुवचन है इसलिए जैसे जैसे सब्जेक्ट वैसे हेल्पिंग वर्ब, मेडिसिंस आर नॉट आ जाएगा, बींग इसके बाद आएगा, जो भी चीज़ जुड़ेगी नॉट के बाद आती है, तो नॉट बींग थर्ड फॉर्म टेकन, किसके द्वारा नहीं ली जा रही बाय हर, इस तरह से सेंटेंस बन जाएगा। आठवां राहुल बॉट अ नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है, सेकेंड फॉर्म का मतलब वाजवर लगेगा। अब यहाँ पर है अ नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि बहुत बहुत सारी पुस्तकें, बहुवचन है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा, अब पहले ऑब्जेक्ट था अब सब्जेक्ट होगा, अ नंबर ऑफ बुक्स, हेल्पिंग वर्ब बहुवचन है इसलिए वर्ब, बॉट थर्ड फॉर्म बाय रा, इस तरह से हम इसको बनाएंगे। नाइन्थ एंड नोबडी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसमें थोड़ा सा परिवर्तन होगा, यहाँ पर हम नोबडी को हटाएंगे, तो नोबडी यानी नकारात्मक है कोई नहीं, लेकिन यहाँ पर नोट नहीं आ रहा है, तो हम अब हमें नोट जोड़ना पड़ेगा। सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम हमारा सब्जेक्ट है, तो हमारा हो जाएगा ये अब सब्जेक्ट बनेगा ऑब्जेक्ट, तो दिस प्रॉब्लम कैन के साथ बीज लगाएंगे, क्योंकि मॉडल है, किसी भी मॉडल के साथ हम बी का प्रयोग करेंगे, तो कैन, अब नोबडी को हटाना है क्योंकि नोबडी वैग्यू सब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको लास्ट में नहीं लगाएंगे, तो दिस प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व, बस इतना हो जाएगा। यू हैव टू क्रिएट अ न्यू कल्चर, अ न्यू कल्चर हमारी ऑब्जेक्ट होगी, सब्जेक्ट बनाएंगे इसको, अ न्यू कल्चर, अब यहाँ पर यू प्लूरल है इसलिए हैव टू आया, अब यहाँ पर
हैज टू होगा क्योंकि ये एक वचन है, जैसा करता वैसी क्रिया, तो ए न्यू कल्चर हैज टू क्रिएट की थर्ड फॉर्म क्रिएटेड, यू का हो जाएगा बाय यू। इस तरह से हम साधारण वाक्यों के पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में होगा प्रश्नवाचक वाक्यों के सब्जेक्ट, सॉरी प्रश्नवाचक वाक्यों के पैसिव वॉइस किस तरह बनाते हैं। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उनको सॉल्व करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और अगर इसमें से ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें ताकि वो भी इससे कुछ सीखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।